नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। डांस में जोश जोड़ाता है सभी के होश, डांस मूव्स जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ये हैं जबरदस्त डांसर कोरियोग्राफर धर्मेश यलांडे, या फिर कहिए धर्मेश सर। धर्मेश यलांडे एक एक्टर भी हैं, वो DID के लिए काफी फेमस रहे हैं। आइए जानते हैं डांसर कोरियोग्राफर धर्मेश यलांडे की ये कहानी। गुजरात के वडोदरा शहर के निवासी धर्मेश ने वो सब किया जो वो कर सकते थे, लेकिन सफलता का असामान्य सफर इतना आसान भी नहीं था। उनके पिता शहर में चाय की स्टॉल लगाया करते थे और पिता की कमाई से घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। धर्मेश का जन्म गुजरात में 31 अक्टूबर 1983 को हुआ था। बड़ोदरा की छोटी छोटी गलियों से निकलते हुए धर्मेश ने बॉलीवुड में एक अलग ही मुकाम हासिल किया। धर्मेंद्र ने पहले तो अपने डांस स्टाइल से सबको दीवाना बनाया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में युवा कोरियोग्राफर्स के रूप में अपनी खास पहचान बनाई। धर्मेश बेहतरीन डांसर कोरियोग्राफर होने के साथ साथ एक बेहतरीन एक्टर भी हैं। ये कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। धर्मेश का ध्यान पढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं था, उनका लक उन्हें डांस की दुनिया में ले गया। डांस के खर्चों को वहन करने के लिए उन्होंने चपरासी की नौकरी कर ली, लेकिन जल्द ही उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने ये नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि वो शाम के 9 बजे छुट्टी करते थे, मेरी डांस क्लास शाम के 6 बजे से शुरू होती थी। मैंने अपने परिवार में बताया कि मैं नौकरी तो कर लूँगा क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन सिर्फ जब वो मुझे शाम 6 बजे जाने देंगे। उन्होंने मसाला पाव स्टॉल लगाना शुरू कर दिया ताकि उन्हें डांस के अभ्यास के लिए टाइम मिल पाए। उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। उनके लिए सपने साकार करने का दिन आ गया था जब उन्हें डांस इंडिया डांस के मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उस ऑडिशन को रात भर में तैयार करके दर्शकों के लिए प्रसारित किया गया था। उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस शो से उन्हें अपनी प्रतिभा का मंच मिल चुका था और उनके चाहने वालों ने उन्हें धर्मेश सर नाम दे दिया था। उनका नाम अब बॉलीवुड में जाना पहचाना हो चुका है और वो कई फिल्मों में कोरियोग्राफी करने लग गए थे। उन्हें उनके गुरु रेमो डिसूजा ने उनके सफर में बहुत सहयोग किया था। वही एकमात्र हैं जिन्होंने उन्हें एनीबॉडी कैन डांस में मौका दिया। उन्होंने एक प्रतिभागी के रूप में डांस रियलिटी शो से शुरुआत की थी और अब वो जज में पैनल के साथ बैठते हैं। धर्मेश का जीवन बिल्कुल बदल चुका है। हिंदी सिनेमा के धर्मेश सर हिप हॉप और कंटेम्प्रेरी स्टाइल के लिए काफी फेमस है। जिंदगी में तमाम तरह की परेशानियां होने के बाद भी धर्मेश ने अपना सपना नहीं भूला। उन्हें हर पल सिर्फ अपने डांसर बनने के सपने का ही ख्याल रहता था। डांस इंडिया डांस का खिताब भले ही वो अपने नाम ना कर पाए हो, लेकिन उन्होंने बुगी बुगी शो को जीत कर बता दिया कि उनके हौसले बुलंद हैं, उनके सपनों में जान है जो सीमित रहने वालों में से नहीं है। इस शो के बाद वो हर किसी के पसंदीदा डांसर बन गए थे। किसी ने इस बारे में सोचा नहीं था कि जिस शो में एक लड़का खुद प्रतियोगी बनकर आया हो वो DID का डांस गुरु बन जाएगा और अन्य प्रतिभागियों को डांस के गुर सिखाएगा। धर्मेश के जीवन में उस समय बड़ा परिवर्तन आया जब मशहूर निर्देशक फराह खान ने धर्मेश को 30 मार्का फिल्म के लिए कोरियोग्राफर हायर किया। धर्मेश के टैलेंट को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। फिल्मी जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां उनके टैलेंट को देखकर उन्हें सलाम करती हैं। तो ये है धर्मेश यलांडे की कहानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।